बीजेपी ने कहा है कि राज्यपाल के साथ जो हुआ वो ठीक नहीं है। पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि ये विवाद महाराष्ट्र के इतिहास में काला पन्ना है। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को आज उत्तराखंड जाना था। आरोप है कि राज्य सरकार की ओर से विमान मुहैया नहीं कराया गया। इसके बाद राज्यपाल प्राइवेट विमान से उत्तराखंड के लिए रवाना हो गए। देखिए, ये बहुत ही गलत बात हुई है, क्योंकि केवल वो व्यक्ति नहीं है, महाराष्ट्र के वो राज्यपाल है और हमारे संविधान में किसी भी राज्य के प्रमुख राज्यपाल होते हैं। जानबूझकर परमिशन नहीं दी गई और वो फ्लाइट में बैठने के बाद उनको बताया गया कि हमने परमिशन नहीं मिली है और उनको फ्लाइट से उतारा गया। इतनी इगोइस्टिक सरकार मैंने इससे पहले कभी नहीं देखी। केवल ईगो की खातिर ये काम चल रहा है और मैं सरकार को बताना चाहता हूँ, ये उनकी प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। ये कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी है क्या? मंत्रियों की, मुख्यमंत्री की या सरकार की प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी है। तो प्राइवेट प्रॉपर्टी जैसे ये ट्रीट कर रहे हैं, ये बिल्कुल गलत बात है और महाराष्ट्र के इतिहास में काला पन्ना है। और उधर शिवसेना ने विमान नहीं देने के विवाद को राज्यपाल के पेंडिंग फैसलों से जोड़ दिया है। शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत का कहना है कि विमान के लिए राज्यपाल इंतजार करते हैं तो दिक्कत क्या है? देखिए, हम इतनी निचले स्तर की राजनीति करने वाले हम लोग नहीं है कि वो 12 नामों के ऊपर उसने मोर नहीं उठाई इसलिए उनका फ्लाइट रोका गया, ऐसा हम नहीं करेंगे। आप 15 मिनट फ्लाइट में आपको बैठना पड़ा तो आपको लगता है कि ये ठीक नहीं हुआ, अपमान हुआ। लेकिन अगर कैबिनेट ने एक प्रस्ताव भेजा है सहमति से, वो आप रोक कर रखते हैं, वो भी कैबिनेट का अपमान है। लेकिन ये बात छोड़नी चाहिए, राज्यपाल जी का सम्मान रहना चाहिए, ये हमारा भूमिका है। तो ज्यादा जानकारी लिए हुए मुंबई से हमारे सहयोगी गणेश ठाकुर हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गणेश, बीजेपी कह रही है राज्यपाल का अपमान हुआ है, शिवसेना को इसमें कुछ गलत नजर नहीं आ रहा है, नियम क्या कहता है? देखिए, नियम ये कहता है कि आपको जो सामान्य विभाग मंत्रालय में आता है, जो मुख्यमंत्री के अंडर आता है, उस विभाग को ये बताया जाता है कि राज्य सरकार का ये जो हवाई जहाज है वो राज्यपाल या मुख्यमंत्री कब इस्तेमाल करना चाहते हैं। इससे पहले भी हुआ है कि एक ही दिन राज्यपाल और मुख्यमंत्री उस सरकारी विमान का इस्तेमाल करना चाहते थे, तो पृथ्वीराज चौहान उसमें मुख्यमंत्री थे, उनको जो है रीशेड्यूल करना पड़ा था। लेकिन यहाँ पर राजभवन की तरफ से ये पता चल रहा है कि 2 हफ्ते पहले ही राज्यपाल ने देहरादून जाने के लिए राज्य सरकार के सामान्य विभाग जो है उसको पत्र लिखा था। उनकी तरफ से क्या जवाब आया अभी तक स्पष्ट नहीं, लेकिन जब राज्यपाल राजभवन से बाहर निकलते हैं और हवाई जहाज में बैठने पहुंचते हैं राज्य सरकार के, तो प्रोटोकॉल विभाग या जो एडीसी होते हैं उनके, वो ये सुनिश्चित करते हैं कि इजाजत है और वो फ्लाई कर सकेंगे। इसी वजह से राज्यपाल करीब करीब 15 से 20 मिनट उस प्लेन में बैठे रहे और बाद में उनको उतारा गया। बाद में वो लाउंज में बैठे करीब 1 घंटे और उसके बाद वो स्पाइस जेट की फ्लाइट से देहरादून के लिए 12:15 की फ्लाइट से रवाना हुए। अगर सरकार इजाजत नहीं देती या कम्युनिकेशन होता तो राज्यपाल निश्चित रूप से राज्य सरकार की फ्लाइट पे जाते नहीं। जो जानकारी सूत्रों से मिल रही है उसके मुताबिक फ्लाइट में किसी तरह की तकलीफ नहीं थी, ये स्पष्ट है। तो कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन गैप रहा या रखा गया, ये भी देखने वाली बात होगी। इसी वजह से बीजेपी आरोप लगा रही है राज्य सरकार के ऊपर कि ये कहीं ना कहीं राज्यपाल को अपमानित करने के लिए किया गया है, क्योंकि राज्य सरकार और राज्यपाल के बीच में जो पिछले कुछ महीनों से विवाद चल रहा है। बिल्कुल गणेश, लेकिन गंभीर सवाल ये भी खड़ा होता है सुरक्षा व्यवस्था को लेकर, राज्यपाल की सुरक्षा को लेकर भी सवाल जरूर खड़ा होता है। एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।